Hello friends, welcome back to my channel. So today I'm super excited because I am traveling to Germany and I'm feeling really blessed that I have got such an amazing professor who gave me this opportunity to present my research work there. And if my professor is watching this, thank you so much, Sensei. अरे वाह, हिंदी में लिखा हुआ है, हैम्बर्ग में आपका स्वागत है। वाह, यहाँ पे जापान जैसा ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको एक तरफ खड़े होना है एस्केलेटर पे और दूसरी तरफ आपको जगह छोड़नी है। यहाँ पे कहीं भी कैसे भी कोई भी खड़ा हो जाता है। तो अब एयरपोर्ट से मुझे जाना है रीपर भान और ये यहाँ से ट्रेन चलती है सीधी S-Bahn के नाम से, सबवे ट्रेन, ये लेनी पड़ेगी। जापान के कंपैरिजन में जर्मनी में लैंग्वेज की इतनी प्रॉब्लम मुझे नहीं लगी। इंग्लिश समझते हैं यहाँ पे लोग, मतलब जैसे मुझे सब कह रहे थे कि जर्मनी में जर्मन चलती है, पर अभी तक तो नहीं लगी। मे बी एयरपोर्ट है इसलिए, बट जापान के एयरपोर्ट पर भी ज़्यादा हेल्प नहीं हो पाती आपकी इंग्लिश में, तो उस हिसाब से बेटर है लैंग्वेज के मामले में। तो ट्रेन का मैंने ये टिकट लिया था €3.30 का, और आप यकीन मानेंगे कि यहाँ पे चेकिंग गेट्स ही नहीं है। मतलब मैं सोचती थी कि जापान में इतनी ऑनेस्टी है कि लोग ही नहीं होते हैं, हम चेकिंग गेट्स में टिकट डाल के जाते हैं अपने आप, कोई देखने वाला नहीं है, पर यहाँ पर गेट्स ही नहीं है। मतलब आप टिकट लें या ना लें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बट स्टिल पीपल आर बाइंग टिकट्स। तो ऑनेस्टी में तो जर्मनी भी मुझे कम नहीं लगा जापान से। क्लीनलीनेस के टर्म्स में मैं बात करूं तो आई डोंट थिंक कि कोई कंट्री जापान को हरा सकती है उस चीज़ में, क्योंकि जापान इज़ ऑब्सेस्ड विद क्लीनलीनेस और यहाँ पर बहुत गंदगी है। सो जापान विन्स हेयर। तो यहाँ पे अभी मैं सिम कार्ड लेने आई हूँ और बहुत सारे प्लान्स हैं इधर, और ये €10 में मुझे 2 गीगाबाइट्स मिल रहा है। तो दिस वन आई कैन ऑप्ट फॉर 5 days आई एम हेयर, सो इट इज़ गुड आई थिंक। देख सकते हैं आप, रीपर भान में हूँ मैं, बट इट्स नॉट सो क्लीन। जापान बहुत ही क्लीन है और जापान बहुत ही इंट्रोवर्ट सोसाइटी है, पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्राउडेड है। लोग ड्रिंक कर रहे हैं रोड पे ही, स्मोक कर रहे हैं। जापान में तो बहुत अकल होती है लोगों को। मैं आज दिन में बाहर आई हूँ अपने रूम से, शाम को, कल रात को मैं निकली थी थोड़ा सा, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग लग रहा था कि क्या हो रहा है रोड्स पे, इतना ज़्यादा लाउड एटमॉस्फेयर था। तो इसलिए मैं शाम को या रात को तो यहाँ पे नहीं निकलना चाहती हूँ, पर दिन में अभी ठीक है, काम है, तो मैंने सोचा दिन में घूमाती हूँ। शाम में बहुत ज़्यादा पागल हो जाते हैं ये लोग। मुझे यहाँ का ट्रेन सिस्टम कुछ खास तो समझ नहीं आ रहा है, पर इतना समझ आ रहा है कि ये 9 o'clock ऑल डे टिकट मैं ले लेती हूँ तो पूरी सिटी में मैं घूम सकती हूँ ट्रेन्स पे, अनलिमिटेड राइड्स ले सकती हूँ। €6.50 की है, तो यही लेना ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। अभी मैं हूँ जुंगफ्राउस्टिएग में। मुझे एक तो नाम नहीं बोले जा रहे हैं, तो अगर जिसे भी जर्मन लैंग्वेज आती है, सॉरी मैं कैसे प्रोनाउंस कर रही हूँ, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। और अभी मैं जा रही हूँ स्पेशियस टेस्ट में, वॉट एवर इट इज़ आई डोंट नो, बट ये जगह बहुत सुंदर है। रीपर भान बहुत लाउड जगह थी, पर ये बहुत ही काम है और व्यूज बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। जहाँ पहुँच गई हूँ मैं, इसका नाम है, मैं दोबारा ट्राई करती हूँ बोलने का, स्पेशियर स्टार्ट स्पेशियर वॉट एवर। ये वैसी जगह है जो हम टीवी में देखते हैं ना कि दोनों तरफ बिल्डिंग्स और बीच में पानी बहता हुआ, वैसी जगह है। कैन यू सी इट? देखो दोनों तरफ बिल्डिंग्स, बीच में पानी और बोट। भूख लग गई है मुझे और मैं इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ रही हूँ। GPS पे चेक तो किया है, आसपास ही है कहीं। हैम्बर्ग में बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, मतलब कल से जब से मैं आई हूँ मुझे कम से कम 30-40 इंडियंस तो दिख ही चुके हैं। तो लेट्स सी। बिल्कुल इंडियन एम्बियंस, शिव जी, कृष्ण जी, सबकी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। और ये मेन्यू वेजिटेरियन है, बहुत अच्छी बात है, चलो ये खाया जाएगा। इंडियन रेस्टोरेंट एक पहली ऐसी चीज़ लगी है मुझे जर्मनी में जो जापान से महंगी है, वरना सारी की सारी चीज़ें जर्मनी में जापान के मुकाबले बहुत सस्ती हैं। ब्रेड कल लाई थी, दूध लाई थी और मक्खन लाई थी, तो बहुत ही चीप एज़ कम्पेयर टू जापान। ऑब्वियसली इंडिया के कंपैरिजन में तो सब कुछ महंगा लगेगा इधर, यूरो में है ना, पर जापान के कंपैरिजन में बहुत सस्ता है सब कुछ, ऑलमोस्ट सब कुछ, खाने पीने का स्पेशली। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा कुछ बोलो। पंजाब तो हो तुसी? हाँ जी, पंजाबी हैं जी। ना की है तुहाडा? मेरा नाम सरजीत है। सरजीत, ओके, थैंक यू। मेरा नाम आस्था। आस्था, हाँ जी। हाँ जी, थैंक यू सो मच। पराठा, अचार ते प्याज और साथ में व्हाट इज़ दिस, आलू गोभी और चावल। आलू गोभी के साथ चावल कौन खाता होगा यार? और लस्सी। 12 यूरो एक कॉम्प्लीमेंट्री दिया है। लड़ाई कर रहे हैं तो नहीं। यहाँ की बसेस कितनी प्यारी हैं, डबल डेकर हैं सारी, जैसे टीवी में देखा करते थे, मूवीज़ में। कुछ कंट्रीज़ में रहना कितना आसान होता है, मतलब अगर लोग यहाँ पे चल रहे हैं, चलते चलते थक गए और वो चाहते हैं कि हम इस पे राइड करके चले जाएं, तो ये जगह जगह रोड्स पे पड़ी रहती हैं स्कूटर्स। और बस इसके यहाँ पे ये बारकोड है, इसको स्कैन करना है लाइम ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से, और ये अनलॉक हो जाएगी आपकी, और इसको लेके आपको जहाँ जाना है जा सकते हो। लाइम ऐप डाउनलोड कर लोगे तो उसमें से पैसे आपके चार्ज हो जाएंगे 1 यूरो प्लस 25 सेंट्स हर मिनट के, और जहाँ भी आपको जाना है वहाँ ले जाके इसको छोड़ सकते हो, वहाँ से कोई और इसको यूज़ कर लेगा। तो अभी मुझे 1 किलोमीटर तक जाना है, तो मैं इसको अनलॉक करके इसके ऊपर चली जाऊँगी और वहीं पार्क कर दूँगी। सो दिस इज़ द मोस्ट फेमस एरिया ऑफ हैम्बर्ग, हार्बर एरिया, और बहुत सारे क्रूज़ शिप्स साइट सीइंग के लिए हैं यहाँ पे। ये मैंने यहाँ फ्रेंड बनाई स्ट्रीट पे, मुझे मिल गई थी। इसका नाम है ब्लॉसम। ब्लॉसम हो फिर क्या? कहाँ से हो? इंडिया से। हमारे इंडिया में कहाँ से? हैदराबाद से, साउथ से। साउथ से, पर हिंदी बहुत अच्छी है तुम्हारी, सीख लिया था ना रोज बात करके। अच्छा ठीक है, मेरी इंटरप्रेटर बनो और मुझे आइसक्रीम लेके दो, मुझे आइसक्रीम खानी है, ये वाली स्ट्रॉबेरी। हाँ स्ट्रॉबेरी प्लीज। के लिए वेट करना है यार, मुझे सुबह मिलती ना तुम। हाँ। मैं सुबह मिलती तो मेरी पिक्चर्स वगैरह तुम खींचती ना, अकेली खींचनी पड़ी। अच्छा, पीछे का सीन भी नहीं आया। मैं आ सकती थी फिर जब भी कॉल आया, क्योंकि कुछ काम ना आया था, मैं वो भूल गया था, वो काम भूल गया था। हाँ, करने के लिए भूल गया, फिर वो क्या, फिर कॉल करके फिर वो काम खत्म करके आ गए। ओहो हो, बड़ा बुरा हुआ। मुझे भी अकेले खींचने को पड़ा ना फोटोज। किसको दिए फोटोज? खुद ही खींचना पड़ा। अच्छा, हाँ सेल्फीज। हाँ सेल्फीज खींचना पड़ा। मैं तो किसको और दे देती फोटो। मुझे इस क्रूज पे चढ़ना है। कितना बड़ा है यार ये? 3 यूरो बोले ना? हाँ। अरे पैसे कहाँ देने हैं? क्या पैसे कहाँ देने हैं? अभी ना क्या बोली जा रही है ये? कहाँ पे? But you have taken this ticket, right? You have this one. Yeah, I have that. Oh wow! ये तो bonus ही लग गया मेरी बड़ी खुशी हुई मुझे ये बात सुन के तो. Because you have to go up the stairs, right? बैठने की वैसे कोई जरूरत नहीं है नहीं। देखेंगे जब चलेगा तो मजा आएगा। वाह मुझे पानी बड़ा पसंद है यार। यहाँ के लोग कितने सुंदर है ना यार। है? लोग कितने सुंदर है इधर के। अच्छी तो है। बहुत हो गया जर्मनी अब घूमना फिरना। अब मुझे जाना चाहिए। जापनीज़ लोग इकट्ठे हो गए होंगे। हमारी कॉन्फ्रेंस के लिए मीटिंग्स हैं। बाय बाय। तो जापनीज़ लोगों के साथ आज डिनर ख़त्म हुआ। वेलकम पार्टी थी आज और जिस रेस्टोरेंट में थी पार्टी वहाँ के स्टाफ ने बोला कि बहुत सारे एशियंस और बहुत सारे लोग हमारे रेस्टोरेंट में आते हैं यूज़ करते हैं हमारे स्पेस को। बट ये फर्स्ट टाइम था हमने देखा कि इतने तमीज़ से और इतनी कामली और इतने अच्छे से हमारी स्पेस को किसी ने यूज़ किया। एंड आई वॉज लाइक दैट्स जापनीज़ फॉर यू। तो मैं घर वापस जा रही हूँ। कल से बिज़ी काम पे लगना है। बाय बाय।